स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बधिरों के लिए समाचार। मेरे साथ हैं रजनी कालरा। करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कई क्रिएटर्स को सम्मानित किया। कार्यक्रम में कथावाचक जया किशोरी, मैथिली ठाकुर सहित कई युवा हस्तियों ने हिस्सा लिया। मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया और लोगों से चुनाव में वोट डालने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर लालू के बयान का विरोध किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लालू यादव का बयान सेल्फ गोल जैसा है, ऐसे बयानों से नुकसान होता है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि कांग्रेस के साथ लद्दाख सीट पर उनका समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अनंतनाग से चुनाव लड़ते हैं तो वो उनके लिए ये सीट छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च हो गया है। दिल्ली में पार्टी का नया नारा होगा कि संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली की जनता से नफरत करती है क्योंकि जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने वाली है। सूत्रों की माने तो आज शाम तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, तो वहीं तेलंगाना और कर्नाटक में नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इंफोसिस की फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इसके लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्य में सुधा मूर्ति का अतुलनीय योगदान है। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर सुधा मूर्ति ने भी खुशी जाहिर की। राजस्थान के कोटा में शिव बारात निकालने के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 14 बच्चे झुलस गए। हादसे में घायल सभी बच्चों की उम्र 9 से 15 साल के बीच है। कई की हालत काफी गंभीर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जाना, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं प्रशासन की टीम जांच में जुट गई है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। धर्मशाला टेस्ट के दूसरे दिन भारत बेहद मजबूत स्थिति में है। टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 412 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल क्रीज पर हैं। देवदत्त पड्डीकल 65 रन बनाकर बोल्ड हुए तो सरफराज खान ने 56 रन बनाए। इसके अलावा शुभमन गिल ने 110 रन की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने भी शानदार शतक लगाया। और इसी के साथ बधिरों के लिए समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।